गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की मॉर्निंग बहुत स्पेशल है। आज हम विज़िट कर रहे हैं, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, हम हमारी बाज पे विज़िट करने वाले हैं। मौका बहुत सालों बाद मिला है, फ्रीक्वेंटली किसी को मौका मिलता नहीं है, फ्रीक्वेंटली क्या नॉर्मली ये मौका किसी को मिलता नहीं है, तो आज हमारे ग्रुप को ये मौका मिला है कि हम बाज विज़िट करें, देखें बाज का ऑपरेशन वगैरह कैसा होता है। एंड मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि प्रोसेस क्या क्या करनी पड़ती है, खुद का बार्ज है फिर भी वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अभी एमपीटी के ग्रीन गेट पे। ये है एमपीटी का ग्रीन गेट, यहाँ से इंटरनेशनल क्रूज़ भी निकलता है, तो आज हमारी एंट्री यहीं से होने वाली है। टोटल एमपीटी के 3 गेट्स है, ये ग्रीन गेट है, सीएसटी स्टेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो ब्लू गेट है, और थोड़ा डॉक साइड डॉकयार्ड रोड स्टेशन के तरफ जो गेट है उसे येलो गेट बोलते हैं। तो ये तीनों गेट से आप एंट्री कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पास आपने कहाँ का निकाला है। तो इसकी फॉर्मेलिटी का प्रोसेस थोड़ा बड़ा लेंदी है, हमारे ऑफिस से कल डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर चुके हैं हमारे एंट्री पासेस के, हमारे एंट्री पास आ चुके हैं, मेल आ चुका है हमारा। आपको ऑफिस का आईडी, आधार कार्ड और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आपको मेल आता है एंड आप देन यू आर गुड टू गो। आपके दिए टाइम पे पहुंच जाइए गेट पे। हमारा टाइम आज का 9 बजे का है, एंट्री टाइम। बट अभी बजे है 8, मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, 8:15 बज चुके हैं। तो वेट करते हैं और बाकी लोग को भी आने दीजिए, उनका भी वेट करते हैं, फिर साथ में एंटर करेंगे और आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि यहाँ से आगे हम कैसे जाने वाले हैं हमारे बाज शिप पर। एक्चुअली शिप नहीं बोलते, बाज ही बोलते हैं, बट कुछ लोगों को बाज का मतलब पता नहीं होगा, इसलिए मैंने थंबनेल में भी और यहाँ पे भी बोल रहा हूँ बाज शिप। तो चलिए, आपको मैं आज शेयर कराता हूँ बाज की और कैसे क्या खाना मिलता है वहाँ पे, कैसे रहने का इंतज़ाम है एंड हम लोग वहाँ पे ट्रैवल कैसे करेंगे, तो आपको सब दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, ये है हमारा पास, हमारा पास आ चुका है और अभी हमने एंट्री किया है सिक्योरिटी के यहाँ से, वो सिक्योरिटी गेट है, शूट नहीं कर सकता था वहाँ पे, इसके लिए एंट्री मारने के बाद अभी आपको पोर्ट दिखाता हूँ। ये हम आ गए पोर्ट में, ये हमारा ग्रुप अभी सिक्योरिटी से बाहर एक 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 आ रहा है, तो पता नहीं यहाँ पे शूट कर सकते हैं कि नहीं। जब तक कोई चिल्लाता नहीं है तब तक शूट करते हैं, चिल्लाएगा तो बंद कर देंगे, फिर जाके आपको डायरेक्टली लॉन्च पे दिखाएंगे। तो ऐसा है कुछ, मुंबई पोर्ट काम चल रहा है, सिक्योरिटी की नज़र नहीं जाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रोहिबिटेड है। ओके ओके, कैमरे तो सिक्योरिटी का चेहरा दिखेगा उसको अवॉइड कर। या ओके, तो चलिए अभी हम लोग आ गए हैं टर्मिनल, ये क्रूज टर्मिनल बन रहा है ना नया। ओके, ये देखिए सामने छोटे छोटे शिप्स खड़े हैं और हम लोग जाने वाले बड़े वाले। पीएनबी चैनल, अच्छा इनर एंकरेज। ओके ओके, पीएनबी चैनल इसका नाम रखा हुआ है, इनर एंकरेज है। अच्छा, मतलब छोटे शिप्स आते हैं, सप्लाई बोट्स, हां हां, टॉक्स वगैरह यहां पे एंकर्ड होते हैं। तो डेप्थ कितना रहेगा जी? कुछ है सिक्योरिटी वगैरह सब हो गया, अभी हम चलते हैं हमारे लॉन्च पे, हमारा लॉन्च। अंदर कोई बैठा है क्या? अरे तो बंदे लोग ऑलरेडी बैठे हैं। अरे गिर गया रे। यस है, और सारे बड़े बड़े लॉन्च, वो एक आ रही है। चलिए आगे जाके देखते हैं, हिल तो रहा है मस्त, गिरने जा, पानी बहुत ख़राब है यार, बहुत ख़राब, मुंबई का पानी बहुत ख़राब है पोर्ट का। आगे जाके अंदर जाके देखते हैं अभी कैसा है। तो अभी अपने सारे बंदे लोग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं, ये देखिए सब लाइफ जैकेट पहन रहे हैं, अपना तो पहन के हो गया। देखिए मस्त फिटिंग आ रहा है, हम थोड़े फास्ट है। ये देखो एक बड़ा शिप आ रहा है,
और किस चीज़ का है? टगबोट है लगता है, हाँ टगबोट है। हाँ हाँ, तो चलो अभी हम पोर्ट छोड़ रहे हैं, देखो हमारी लॉन्च पीछे जा रही है, हम पोर्ट से निकल पड़े और सब लोग भाई इज्जत में बैठ गए इधर, ये सब हमारे ऑफिस मेंबर्स। आधे घंटे का सफ़र है यहाँ से अपने बार्ज तक, बार्ज यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, काफ़ी दूर है समुद्र के अंदर, और अगर वो सामने दिख रहा होगा तो आपको एलिफेंट आइलैंड है, बहुत दूर है कैमरा जूम। हाँ ये देखिए, ये एलिफेंट आइलैंड है, ये यहाँ पे नेवी के कुछ वेसल्स है, नेवी के शिप्स दिखने चालू हो गए, ये छोटे नेवी के वेसल्स है जो डॉक हुए हैं, और ये कोई एक बड़ा क्रेन है, जूम आउट कर लेता हूँ। सब लोग ऊपर जाने के बाद अभी हम नीचे नहीं रह सकते, इसलिए चलिए हम भी ऊपर चलते हैं, ऊपर से नज़ारे का मज़ा लेते हैं, कहाँ लॉन्च में बार बार आते हैं हम लोग, चलिए ऊपर चलते हैं। तो चलिए अभी हम मिलते हैं अपने कैप्टन से, ये है हमारे कैप्टन। कैप्टन आपका नाम? रोहल्ला। कैप्टन अभी हम लोग कितने के स्पीड से जा रहे हैं, कितने नॉट्स? नॉट 12 नॉट के 20 मिनट लगेंगे। तो चलिए 20 मिनट का जर्नी है अभी और बचा, 12 नॉट की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। नॉट्स को अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 नॉट इज 2 किलोमीटर्स, तो ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं हम लोग। इतना दूर आ गए हम लोग पोर्ट से भाई, 12 की स्पीड है बट ठीक है। सर मुंबई का नज़ारा है, कितनी दूर आया है इसका अंदाज़ा भी लग सकता है आपको। ये कार्गो वेसल है, ये देखिए कुछ क्रेन से सामान इस छोटे वाले बार्ज में डाला जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी वाली शिप जो है या बार्ज जो है ये पोर्ट तक नहीं जा सकता, तो ये लोग ऐसे छोटे छोटे वेसल्स हायर करते हैं एंड इसमें ऑफ लोड करके फिर ये छोटे शिप्स सामान पोर्ट तक लेके जाएगा। रोल और पिच दोनों होना चालू हो गई है, रोलिंग एंड पिचिंग क्या होता है, मेरे हाथ आप समझ लीजिए लॉन्च है, तो ये मूवमेंट जो है ये रोलिंग है और ये मूवमेंट जो है इसको पिचिंग बोलते हैं। तो इस मूवमेंट से सिकनेस होता है, जिसे सी सिकनेस कहते हैं, जिससे कि वॉमिटिंग वगैरह होता है, तो इसलिए हमें कहा गया था कि मॉर्निंग में हल्का फुल्का खा के आइए, ज़्यादा कुछ खाइए मत, ताकि अगर मौसम खराब रहा, रोलिंग पिचिंग ज़्यादा होती रही तो आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। और अभी तो किसी को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी की हालत ख़राब है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं मस्त। तो हम इस पे जाने वाले हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ऊपर हेलीपैड है, इतने सारे लिविंग क्वार्टर्स है, ये देखिए ये एंकरिंग के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं ऊपर से। बाप रे, ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा रोलिंग हो रहा है, सॉरी पिचिंग हो रहा है, मैं हम लोग पीछे से शूट करते हैं। ये देखिए तो दोस्तों हम अभी निकल चुके हैं हमारे बाद से, इसे चलेंगे ऊपर, ऐसे स्टेयर्स है और यहाँ पे हो रही है वापस एंट्री, लोग अभी अपने लाइफ जैकेट निकल रहे हैं। और वेसल पे आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो देखी वो पीछे देखिए, यहाँ पे लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन से बहुत सारे लॉन्ड्री एरिया है, और बड़े बड़े मशीन से भाई बहुत सारे मशीन से, तो आप सोचिए कि कितना क्रू रहता होगा यहाँ पे। तो रजिस्टर में एंट्री हो गया है, तो चलिए अभी सेफ्टी ब्रीफिंग के लिए जाते हैं, वहाँ से जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और भाई ये बारिश तो ऐसे लग ही नहीं रहा, समुंदर में है, ज़मीन में है, ज़मीन पर है हम लोग, ज़रा भी हिल नहीं रहा, पूरा स्टेबल है। और यहाँ पे भी डस्टबिन्स रखे गए हैं, कूड़ा कचरा जो भी है डायरेक्ट पानी में नहीं फेंका जाता, तो भाई हम ज़मीन पर रह के भी ये सब कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते बट करना चाहिए, अभी यहाँ पे इनको रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं, समुद्र में कुछ भी फेंक सकते हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखें, तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे डस्टबिन्स हैं जो, और सामने और भी, यहाँ पे सामने और भी डस्टबिन्स हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलते हैं और कूड़ा कचरा सब डस्टबिन फेंकेंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये भाई बड़ा क्रेन है, 30 टन का लोड कैपेसिटी है इस क्रेन का। और अभी वो लोग, ये कुछ प्लेटफॉर्म जैसा है, वो उठाने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब एंकरिंग कर रहे हैं ताकि उसे उठा सके। तो चलिए, अभी हमारे क्रू मेंबर्स सारे अंदर चले गए। मेरी आवाज़ आपको शायद नहीं सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में इंजन है, इंजन बे है। ये देखिए, ये ओपन है, नीचे इंजन रनिंग हो रहा है। और यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाते हैं, शायद देखते आगे क्या है। अरे भाई, बहुत सही जगह आ गए भाई। सुबह से निकले थे, कुछ खाया भी नहीं, तब ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। बहुत सही जगह लाया हमें अभी। क्या है ब्रेकफास्ट में? इडली, इडली और समोसा है भाई ब्रेकफास्ट में। और भाई किचन भी बहुत बड़ा है। ये देखिए, शेफ हमारे लिए कंटिन्यूस खाना बना ही रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे पार्टी समझिए, पार्टी है, लाविश फूड मिलने वाला है। जूस रखा गया है यहाँ पे, दो टाइप का जूस है, ऑरेंज एंड वाटरमेलन जूस है, चटनी चटनी है इडली वाली। साइड में हम लोग ये समोसे के लिए भी चटनी ले रहे थे। यहाँ है सांभर जो सब्जियों से पूरा भरा हुआ है। तो भाई सांभर की खाली ग्रेवी नहीं खाई जाती, सब्जी भी खाई जाती है। बहुत ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट हुआ, तगड़ा। और चाय तो तब बहुत सोप ऑफ चाय थी। तो अभी अपना सेफ्टी ब्रीफिंग हो रहा है। अभी हमारा सेफ्टी ब्रीफिंग हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं चेंजिंग के लिए। चेंजिंग के लिए हमें जेंट्स के लिए 3 रूम अलॉट किए गए हैं, लेडीज़ के लिए 1 रूम। तो अभी हम जाते हैं और चेंज करके वापस यहीं मिलते हैं। हम आ गए अभी 3rd फ्लोर पे और फुल्ली एसी है, तो होटल ही है यार। हमारा कौन सा साइड है? वो साइड में 26, 28 and 30। ओके, तो हमारे रूम्स यहाँ इस साइड में। हाँ भाई, होटल से कम नहीं है ना? 326, 328, 330। चलो 330 में घुसते हैं। जाओ जाओ भाई, 330 अपना रूम। भाई ज़रा भी होटल से कम नहीं है भाई। ये देखिए टेबल है, ए इधर टीवी नहीं है, वो रूम में टीवी था। और वॉशरूम भाई, और क्या चाहिए यार, लैविश है, किसी होटल से कम नहीं है। यहाँ पे किधर है ये आ गए, हम लोग शायद यहाँ पे है अभी। घूमने के बाद अभी हम लोग जाएंगे इंजन में, इंजन रूम में। आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होने वाली है, मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं पता नहीं, बट देखते हैं अभी इंजन रूम कैसा है, क्या है। सबको हेलमेट इशू किया जा रहा है इंजन रूम में जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर पैर फिर फिसला, क्योंकि ऑयल वगैरह बहुत रहेगा, ग्रीस रह सकता है, ऑयल रह सकता है, उस पर से पैर फिसल सकता है। इसके लिए सबको हेलमेट दिया जा रहा है। ग्रीस और ऑयल का स्मेल आ रहा है। मशीन शॉप है, अच्छा ये मशीन शॉप है। एक्सरे मशीन। ये एक्सरे मशीन नहीं रहेगा, एक्सरे मशीन अलग रहेगा, ये एक्सरे कैच करने के लिए रहेगा। ये पाइप है ना, इसके लिए ये इसके थ्रू जाता है।
तो जो फर्स्ट एरिया देखा वहाँ से पाइप ऐसे इसके बीच में से आता है, वो देखिए सीधा दिख भी रहा है, वहाँ से पाइप आता है, यहाँ से इसके ऊपर से जाता है सी बेड में। तो भाई आप बार्ज का लेंथ देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितनी लंबी है ये बार्ज। वो छोर वहाँ पे, वहाँ से लेके वहाँ तक, सिक्योरिटी रीजंस के वजह से आपको सब कुछ बता नहीं सकता, बट काफ़ी लंबी है ये बार्ज। आप सोचिए सारे इतने सारे प्रोसेस एक लाइन में हो रहे हैं, वहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, उसके बाद टेपिंग हो रहा है, फोमिंग हो रहा है, यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप सोचिए कि ये लेंथ कितना लंबा है, बहुत लंबा लेंथ है ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंजन रूम में, यहाँ पे ईयर प्लग्स बांटे जा रहे हैं। ईयर प्लग्स ये विंच है, तो ये विंच पुल करके ये बार्ज आगे मूव होता है, क्रॉल होता है। तो इसका अगर आपको टेक्निकल डिटेल्स चाहिए तो भाई ये वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा ये क्या है, बट समझ लीजिए कि आप रस्सी खींच के आगे जो जाते हैं ना, ये बार्ज वैसे करता है, ये रोप है, इसको पुल करके वो बार्ज आगे मूव होते रहते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। ये शिप जैसा नहीं है कि जैसे आपके प्रोपेलर्स है और प्रोपेलर को प्रोपेल करके आप आगे जाते हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए रहता है क्योंकि आपको पाइप बिछाना होता है। तो ये विंच के मदद से ये बार्ज आगे मूव होते रहते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं इंजन रूम के पास, तो आवाज़ देखिए आप, अरे बाप रे भाई आवाज़ देखिए, मैं कान में ईयर प्लग डाल रहा हूँ। एरिया जहाँ पे सब मटेरियल रखा जाता है प्रोजेक्ट का, अभी तो प्रोजेक्ट नहीं इसलिए इतना खाली दिख रहा है, नहीं तो वो लोग बता रहे थे कि एक इंच भी जगह नहीं मिलता है, चलने के लिए भी जगह नहीं रहता है, इतना पैक रहता है। अभी भी कुछ मटेरियल है यहाँ पे, बट उतना ज़्यादा नहीं है। ये देख लीजिए ये चीज़, ये क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? अगर मैं और पीछे आ जाऊँ तो आपको समझ जाएगा शायद। ये भाई साहब ये बार्ज का एंकर है, और ये कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कोने में मेरा हाथ है, अभी कोई आदमी नहीं है खड़ा रहने के लिए, ये तो आप समझ सकते हैं। ये भाई 12 टन का एंकर है ये, तो आप समझ सकते हैं एंकर कितना बड़ा लगता है इस बार्ज को होल्ड करने के लिए। और ऐसे दो एंकर है, ये एक पोर्शन पे है, मतलब एक फ्रंट साइड पे दो एंकर है, ऐसे ही पीछे वाले साइड पे और दो एंकर है, तो टोटल 4 एंकर है इस बार्ज पे। और दोस्तों मैं जैसे आपको जब हम लॉन्च में बैठे तभी दिखाया कि पानी मुंबई के साइड का बहुत ख़राब था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा पानी दिख रहा है, कलर देखिए इसका थोड़ा साफ ऐसा, थोड़ा ग्रीनिश दिख रहा है, ग्रीनिश ब्लू। और अगर आप इस पता नहीं कैमरे में पता चल रहा है कि नहीं, बिल्डिंग्स के थोड़ा जस्ट नीचे देख लीजिए, वहाँ पर आपको समुंदर का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश दिखेगा, तो शोर के साइड पर थोड़ा ब्राउनिश है बट यहाँ पर थोड़ा बेटर पानी है। अच्छा यहाँ पे भी देख लीजिए, और ये देखिए ये विंच एक अटैच्ड है,
जो हमें विंच रूम में लेके गए थे दिखाने के लिए, तो ये विंच का रोप नीचे एंकर को अटैच्ड है। जाके देखते हैं विंच कंट्रोल। ये है विंच कंट्रोल सिस्टम। यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक विंच पे कैमरा लगा हुआ है। कंट्रोल रूम, ये सारा विंच कंट्रोल है। इधर ये सब। अभी हम लोग आ गए हेलीपैड पे, हेली डेक पे। तो यहाँ से ये बहुत ऊपर है, टॉप ऑफ द शिप है। और ये देखिए भाई साहब, एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप आ रहा है MSC का। इसमें हजारों कंटेनर्स हैं, बॉम्बे पोर्ट पे जा रहा है डॉकों ने। यहाँ पे शायद आपको हवा के वैसे मेरी आवाज़ नहीं आती होगी, तो सॉरी उसके लिए, माफ़ कीजिए। बट ये देखिए, ये हेलीपैड है और सब लोग भाई यहाँ पे फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये अपना एक एरिया है, यहाँ पे मस्टर है, यहाँ पे अटेंडेंस रहता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पूरा ये फंक्शन कैसा है। ये नॉर्मली क्रूजेस पे भी रहता है। एंड वो सब छोड़ दीजिए यार, ये एरिया मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे शेड है एंड हवा फुल ज़ोर से आ रही है। यार बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सही है यार, एरिया ही बहुत सही है। मस्त ठंडी ठंडी हवा है, इतना बाहर धूप है बट यहाँ पे बहुत ठंडी हवा लग रही है। एंड सुपर एरिया है, मुझे तो ये शिप का ये पार्ट बहुत पसंद आया, सुपर पार्ट है। तो ऐसा हमारा शिप का टूर पूरा कंप्लीट हो गया, बार्ज का टूर पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके फिर जाएंगे मेस में खाना खाने के लिए। स्पेशल लंच अरेंज किया गया है और भाई क्या बताऊँ, मज़ा आया यार, बहुत सही था। चलिए आपको नीचे मिलता हूँ। और दोस्तों, ये अपना लंच लग गया है, लंच का पूरा तैयारी हो गया है। भाई देख के तो मुँह में पानी आ रहा है। ये देखिए पॉम्पलेट, सुरमई और चिकन इस साइड में, इधर वेज तवा, दाल पनीर, इधर राजमा दाल, भूल मसूर, नूडल्स, प्लेन राइस, जीरा राइस, सूप, गुलाब जामुन, भाई फुल मज़े। रशियन सलाद, चना चाट, कॉर्न, भाई खाना ले लिया, खाना चालू भी कर दिया। खाना फूड इतना टेस्टी है, वीडियो शूट करना भूल गया। अब देखिए पॉम्फ्रेट, भाई ये अपना सुरमई, चिकन, रशियन सलाद, पापड़ और सलाद और रोटी। भाई रोटी भी थोड़ा पराठा टाइप है, थोड़ा पराठा टाइप का रोटी, बहुत सही है। एक एक चीज़ खा के टेस्ट करते हैं, बहुत सही है। ग्रेवी खाया मैंने, सुरमई, अपने लोग गुलाब जामुन का स्वाद उठा दे हुए, बहुत बढ़िया खाना था। हाँ मैंने मिस किया, मैंने फटाफट खा लिया, मैंने शूट नहीं किया और अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। देखो खाने पीने के बाद, लंच के बाद सब फैल के बैठे। तो दोस्तों अभी हमारे रिटर्न जाने का टाइम हो गया। ये देखिए हमारे आधे लोग रेडी हो गए लाइफ जैकेट पहन के। यह हमारी लॉन्च आ गई है, तो चलिए फटाफट जैकेट पहन लेते और निकलने की तैयारी करते हैं। तो रोलिंग एंड पिचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नीचे, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर रहा है। डायरेक्ट कूद जाओ। चलो तो अभी हम सब लॉन्च में बैठ गए हैं, रिटर्न जाने के लिए निकल रहे हैं। ये अभी हम सन मार रहे हैं और जा रहे हैं वापस शोर पे। तो ऐसे हमारी ख़त्म होती है बारिश की ट्रिप। आ गए हम लोग बारिश को छोड़ के। ये है हमारा टग बोट, वो बारिश। तो दोस्तों
दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए अपना जट्टी पे, पोर्ट पे, जट्टी नहीं सॉरी पोर्ट पे पहुंच गए। देखिए डिसम्बर कर रहे हैं, डिसम्बर कर रहे हैं। चलिए अपना जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बहुत मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया। तो bye bye. चलो बाय बाय, चलो बाय। तो इस तरह अपना टूर एंड होता है। ये ग्रीन गेट से हम लोग बाहर निकल गए हैं एंड बहुत मज़ा आया, पूरा दिन लगा, काफ़ी मज़ा आया। इतना बड़ा शिप पहली बार देखा, बार्ज इसे भी बड़ा देखेंगे अभी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं उस पर जाने के लिए। तो चलिए बस ये वीडियो में इतना ही, बाय बाय।